आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5 स्मार्टफोन अंडर 20 के प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब अपना नंबर वन फोन पे इन्फिनिक्स GT 10 प्रो। इस फोन में आप एकदम बीस्ट वाली गेमिंग कर सकते हो। इसका प्राइस 21,000 है बट ऑफर या मार्केट में आपको 20,000 के लगभग ही पड़ जाएगा। और इन माई ओपिनियन कि 1,000 रुपीज को लेकर चॉइस मत खराब करना, फोन वर्थ है, वैल्यूएबल है। प्रोसेसर आपको इसमें 8050 MediaTek Dimensity का मिल जाएगा जिसका स्कोर रेट ऑलमोस्ट 7 लाख तक आपको देखने को मिल जाता है। विद फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है और इस डिवाइस के लिए आपको डेडिकेटेड ट्रिगर मिल जाएगा, सो ये भी परचेस कर सकते हो। कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल का मिल जाएगा विद 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का स्मॉल कैमरा सपोर्ट और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। एंड बैटरी बैकअप आपको 5000 mAh की यहाँ पर देखने को मिल जाती है विद 33 वाट चार्जर के साथ। सो ये प्राइस रेट में ये काफी अच्छा पैकेज है जो कि आप ले सकते हैं। सेकंड फोन है Realme 9 5G SE। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बीस्ट प्रोसेसर से जो कि 778G आपको मिल जाएगा। ये फोन पुराना जरूर है बट मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट बायर्ड फोन भी है और मार्केट में आपको ये फोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। काफी पावरफुल चिपसेट इसमें अवेलेबल है विद इसमें कोई आपको हीटिंग इश्यू नहीं मिलेगा और भी बढ़िया है। सो बस एक गेमर को और क्या चाहिए। एंड बेसिक इंफो लाइक इसका डिस्प्ले भी काफ़ी स्मूथ है, 144Hz रिफ्रेश रेट आपको इसके अंदर मिलता है। वही कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है विद बैटरी बैकअप 5000 mAh विद 30 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ। हमारा जो थर्ड फोन है टेक्नो कैमोन 20 Pro 5G। आई नो ये फोन थोड़ा ओल्ड है बट ये क्वाइट आपने जरूर सुना होगा, ओल्ड इज गोल्ड वही इसमें लागू होता है। अगर आपको कैमरा प्लस गेमिंग दोनों बढ़िया चाहिए तो ये फोन बहुत बढ़िया प्राइस रेट में आपको मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से तो आपको इसके अंदर 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी एंड सेम 120Hz रिफ्रेश रेट। एंड लुक वाइज तो ये गेम एक गेमिंग फोन वाली फील देता है। सेकेंड चीज इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है और फ्रंट आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। सो कैमरा तो बढ़िया है ये भाई साहब और गेमिंग नो डाउट मक्खन की तरह हेवी से हेवी गेम यहाँ पर चल जाएगा। आपको पता है इसका परफॉर्मेंस MediaTek Dimensity 8050 का है, सो 20K के अंडर हेवी गेमिंग बिल्कुल आराम से कर सकते हो विद हाई ग्राफिक्स। बैटरी बैकअप आपको बताया जाए तो 5000 mAh का विद 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। फाइनली बात करें प्राइस की तो आपको इसका 8GB प्लस 128GB वेरियंट 20,000 के अराउंड मिल जाएगा। हमारा चौथा फोन है पोको X6 5G। नाउ इफ अगर आप कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो आप पोको X6 5G की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपको 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा और 120Hz रिफ्रेश रेट और स्क्रीन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको इस प्राइस पैकेज में मिल जाएगा। कैमरे का ओवरव्यू करें तो यहाँ पर मेन कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिल जाएगा विद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, मतलब कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है। फ्रंट कैमरे का अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा और प्रोसेसर की बात करें तो आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है प्रोसेसर है, जिसके साथ आपको एक तगड़ा बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और चलो बैटरी की बात आ ही गई है तो आपको इसके अंदर 5100 mAh की बैटरी भी मिलेगा और उसी के साथ 67W टर्बो चार्जर भी मिल जाएगा। बाप रे, और प्राइस इसका 22,000 है लेकिन अगर आप बैंक ऑफर्स की तरफ जाओगे तो आपको ये 20K के अराउंड आपको मिल जाएगा। सो गाइज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, अगर आप गेमिंग करते हो तो आप ये लेटेस्ट एडिशन ले सकते हो पोको X6 5G का। तो अपना फिफ्थ फोन है मोटो G84। इसमें आपको सब कुछ बैलेंस अमाउंट में मिल जाएगा। तो पहले बात करें डिस्प्ले की तो इसके अंदर आपको 6.55 इंच का फुल HD 10 प्लस बिट की स्क्रीन मिल जाएगी और इसका 120Hz रिफ्रेश रेट रहने वाला है। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले काफ़ी हल्का लगता है। कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन जो कैमरा है आपको 50 मेगापिक्सल और अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का आ जाता है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सो कैमरा परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्राइस अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे तो आपको इसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट मिल जाता है। सो ये परफॉर्मेंस डिसेंट है, अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो ये फोन बाय कर सकते हो। बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की मिल जाएगी और
33 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट भी मिल जाता है। और स्टोरेज वाइज फोन काफी बेस्ट रहने वाला है क्योंकि इसमें आपको 12 GB प्लस 256 GB वेरियंट सिर्फ और सिर्फ 18,999 में मिल जाएगा। तो बस भाई लोग यार आज की इस वीडियो में यही रखते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपके पास कौन सा गेम खेलने के लिए फोन आप यूज करते हो, क्या वो एकदम सेटिस्फैक्शन है या फिर आप चेंज करने वाले हो। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।